अच्छा ठीक है, आपके सफाई उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, दो बच्चियां पैदा हो गई, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको ठीक धोखे में रखा हो गया। गया, देन आई एक्सेप्टेड. बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है. ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजेंट मैटर. ठीक अच्छा, है, अब मैं यूपी के बरेली में एसडीएम के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या तमाम विवादों के बाद अब पहली बार कुछ कहती हुई दिखाई दी। इतने शोर शराबे के बाद ज्योति ने पहली बार इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। ज्योति मौर्या ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर कहा है कि ये मामला विशुद्ध पारिवारिक है। ज्योति ने इस ऑडियो में जो भी कुछ कहा है, एक एक बातें हम आपको सुनाएंगे, और उसमें भी ज्योति की बातें सुनकर आप आलोक पर भी कई तरह के सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको ज्योति का ये पूरा इंटरव्यू देखकर ऐसा लगेगा कि ज्योति इस पूरे मामले में अकेली गलत तो नहीं है, आलोक की भी बहुत गलती है जो अभी छिपी हुई है, और ज्योति मौर्या के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो ज्योति मौर्या अभी पेश नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कोर्ट में पेश करेंगी। चलिए सबसे पहले आप ऑडियो सुनिए, फिर आपको आगे की पूरी कहानी बताएंगे। ये बताइए. मैं हाँ अनुपम मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं न्यूज़ 18 चैनल में असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हूँ और नोएडा में बैठता हूँ। मैं आपके मैं को लेकर के सोशल मीडिया में तमाम तरह की जैसे जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल हैं और हम लोग लगातार चीज़ें जो है फैक्ट करके ही चलाते हैं अपने स्क्रीन पे भी, आप इसे देख भी रही होंगी। लगातार हम लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट पे कुछ भी नहीं चलाया है जैसे, मतलब वो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पब्लिक को ये नोटिस देना चाहते हैं या पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बीइंग ए एसडीएम या बीइंग ए ऑफिसर, जो चीजें आपके बारे में गलत तरीके से बताई जा रही हैं, व्हाट्स द फैक्ट्स, जिनको कि कोई सामने नहीं रखना चाहता। उसमें कई लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं, तो मैं हमने अभी ये डिसाइड किया हमारी एडिटोरियल मीटिंग में कि जो भी राइट चीजें हैं वो कम से कम पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं, राइट चीजें क्या? नहीं, क्या ये जो आपके जो आलोक हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई, सारी चीजें हुई, वो डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है? वो एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है. बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा ठीक है, आपके सफाई उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, दो बच्चियां पैदा हो गई, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको ठीक धोखे में रखा हो गया। गया, देन आई एक्सेप्टेड. बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है. ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजेंट मैटर. ठीक अच्छा, है, अब मैं जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है फाइनली? अब आप चाहती क्या है? मतलब क्या है भाई, नहीं मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है. तो जी जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी. नहीं, तो आपकी आलोक से कोई बात हुई है इस दौरान, जिस तरह की चीजें आई हैं आपके बारे में, उन्होंने जिस तरह की चीजें कहा है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं. अच्छा, आपके कहीं और बताया जा रहा है कि संबंध है आपके कहीं दैट्स और? माय पर्सनल मैटर. बताया मैंने, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी, आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में. अच्छा, 2010 की मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, 2010 में जब चीजें हुई नहीं, वो उस थी। बारे में नहीं बात करना है, छोड़ी, मुझे कहानी नहीं बतानी है. और अच्छा, बताइए. इतना सिर्फ क्लियर बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि क्या नाम है, आपकी 2010 में शादी होगी लेकिन उसके बाद भी आलोक जो है वो हस्बैंड के तौर पे कॉपरेट नहीं कर रहे थे आपको, इस तरह की बातें भी हैं? हेलो हेलो, मैंने ये नहीं कहा. एक तो मैडम रिश्ते खराब कैसे हुए, मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए, बात यहाँ ये है। कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? नहीं आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? बताइए. नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि तो क्या फिर कोई तो आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते खराब? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में. क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तो उन्होंने आपको पढ़ा, आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए. ठीक उन्होंने आपको है, पढ़ाया आलोक जी लिखाया, ठीक सारी चीजें है. की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी. आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोषा है. अब नहीं आप मैडम, बताइए. मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई.
पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना भी ये मैटर कोर्ट में आ गया है सुनिए सारी, मेरी बात सुनिए, जी, एक लाइन में सुन लीजिए, उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं है, इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है, मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल सही सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट में आप कहेंगी, लेकिन जो चीजें परिवार के बीच में या जो चीजें आपके बीच खराब हुई, हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्या को लेकर के कही जा रही है, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना आलोक से पूछ लीजिए वो बेहतर बताएंगे, मुझे जहाँ सफाई देनी है मुझसे जहाँ पूछा जाएगा जिस फोरम पे लीगल तरीके से मैं वहां बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी तो हेलो, कोर्ट डिसाइड करेगा ना, नहीं आप तो साथ नहीं मैंने रहना, आप साथ नहीं मैंने रहना बोल चाहती? दिया ना, मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में, आलोक के स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं? आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये मुझे चीजें गलत मुझे है, तो सोशल उसको मीडिया से मतलब नहीं है, बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है, देखिए कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है इंसान अलग होने के लिए, लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए। चलिए ज्योति। तो सुना आपने, ज्योति मौर्या की बातों को सुनकर तो लगता है कि आलोक के भी ऐसे कई सारे काले राज दफन हैं जो ज्योति मौर्या कुछ नहीं कहना चाह रही हैं। हालांकि ज्योति मौर्या इस इंटरव्यू के दौरान लगातार भावुक होती भी दिखाई दी, और उनके इस आवाज़ से तो देखकर यही लगता है कि ज्योति मौर्या अकेली गलत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।